I make films because I've strongly believed that they are can be used for change. And I've seen my work been used for affecting policy, government policy, being used for advocacy by different groups. And in the last couple of years especially, I've seen legislation completely change because of the topics that I have addressed. So I feel very strongly documenting the human conflict. My work is shown around the world. We often think of the Muslim world in this one monolithic way, and I wanted to shed light today, and this clips that I'm sharing with you showcase what Muslims are going through with the wars that are affecting them. I'm looking at Bangladesh, the women over there who are serving as peacekeepers in Haiti and in Congo. So looking at how Muslim women can actually be this kick-ass force that you had never thought of before. And the human conflict of war in Pakistan and the people who risk their lives every single day for a better tomorrow, not knowing whether they'll come away alive. So here is a selection of some of my work. जिला हॉस्पिटल में मेरे बहुत सारे रोल्स हैं. एक तो मैं यहाँ की जॉइंट डायरेक्टर हूँ और इसके अलावा मैं शोबा हादसात की इंचार्ज भी हूँ. मेजर डिजास्टर्स और कैटास्ट्रोफीज जो हों शहर में, उनको जब फेस करना हो तो मैं सबसे आगे होती हूँ. कराची शहर की सूरत हाल इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है. हर वक्त कोई कुछ ना कुछ वाकयात होते रहते हैं. अभी जो कराची को निशाना बनाया जाए उसका बेसिकली मकसद ये है. और क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड अस्पताल है, किस किस्म के वाकयात शहर में हो उनका रिपरकशन ज़रूर अस्पताल में होता है. इस वक्त हमारे पास तकरीबन 30 पेशेंट्स लाए गए हैं, जिसमें से 5 पेशेंट्स जो हैं इस वक्त क्रिटिकल हैं. हमारे इसी शोबा हादसात के अंदर बम धमाका हुआ, हम लोग खुद भी निशाना बने. मॉब्स जब आ जाते हैं एक उनकी वायलेंस होती है. This was a fight between two groups outside the hospital, and when they were brought into the casualty, one group came into the dressing room. They saw another man lying here on the stretcher, and once they saw him on the stretcher here, they fired him right from this door across by a Kalashnikov. और किसी को नहीं पता कि कौन सा आदमी क्या करके चला जाए. डर तो बहुत लगता है इस जगह में. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले एक सुसाइड बॉम्बर का डीकैपिटेटेड हेड देखा था, यकीन करें कि मुझे कई रातें नींद नहीं आई उसको देखने के बाद. ज़्यादातर वक्त जो है मैं अस्पताल में ही रही हूँ. बहुत कम वक्त मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारती हूँ. बड़े वो भी बड़े प्राइस्ड मोमेंट्स होते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि मेरा घर, ये मेरा महकमा ही मेरा घर हो गया. यह अस्पताल ही मेरा घर है. मेरा दिल चाहता था कि मैं सितारों को छू सकूं, और सितारे मैंने नहीं छू सके. लेकिन सितारे छूना वही बात होती है कि आप किसी और के लिए कुछ कर दें. और मुझे अब बड़ी खुशी होती है देख के कि जो आम औरतें शायद इस मुल्क की ना भी कर सकें, मैंने वो करके दिखा दिया. कराची में यकायक दस्ती बम और क्रैकर के हमलों में इजाफा हो गया है. गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान 7 दस्ती बम हमले हुए हैं, जिससे शहरियों में खौफो हरास फैल गया है. अब ये बताया गया है कि मोटरसाइकिल में धमाका हुआ है, और अब तक की इत्तला के मुताबिक इसमें 13 अफराद जख्मी हुए. नॉर्थ नाजमाबाद में खुदकुश हमला और नाजमाबाद में 2 प्लांटेड डिवाइस के धमाके. ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मशकूक बैग की इत्तला दी गई. बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो बैग से बम बरामद हुआ, जिसे नाकारा बना दिया गया. कराची के इलाके बल्दिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के VIP गेट के सामने झाड़ियों में मशकूक ड्रम की इत्तला मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया. तलाशी लेने पर पता चला कि ड्रम में बम है. बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मिलने वाले बम को 2 घंटे की कोशिशों के बाद नाकारा बना दिया. हमारी जो जान है वो समझ लें सूली पे टंगी रहती हर वक्त, और नई से नई ID मिल रही है. नए से नए जो है जो दहशतगर्द हैं वो अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं. वाला में बम की इत्तला मिलती है, मेरी कोशिश होती है कि जाने से पहले वजू करके जो है जाए. ये ग्रेनेड वगैरह क्रैकर ये हमारा रोज का काम है. रात के 3 बजे
4 बजे हमारे बम कॉल मिलती है। कोर्ट में भी हमारा आमना सामना होता है, जब मुल्जिम पकड़े जाते हैं एटीसी कोर्ट के अंदर खड़े होकर उन्होंने हमें धमकियां दी कि ये मत समझना कि हम जेल के अंदर हैं, हम अंदर रहकर भी तुम्हें मरवा देंगे। हमने उनसे कहा कि जो हमारा काम है हमने करना है और हम करते रहेंगे। हमारी 98 में शादी हुई थी और पहले तो बहुत खुश थी कि मेरी पुलिस वाले से शादी हुई है, लेकिन जब पता चला कि मैं बम नगारा कर रहा हूँ तो वो जब से बहुत फिर वो टेंशन में आ गई। क्यों मुझे नींद नहीं आती, इनकी ड्यूटी ऐसी है, कहाँ सुकून मिलता है हम लोगों को? आप खुद ही सोचे कैसी जॉब है इनकी। एक जज्बा होता है कि शायद हमारी वजह से जो है इस बम को नकारा करने से और कितने लोगों की जानें बच जाएं। हम अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, हमारा काम है हमने कर रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। পুলিশ মানে তারা আমরা যতটা আর কি মানে বুঝতে পারছি আর কি, কোনো কিছু হলে মানে ডাইরেক্ট মানে গুলি করে। সেই কারণে ওরা তো হচ্ছে পুলিশকে অনেক ভয় পায়, তো আমাদেরই অনেক পুলিশকে ওরা মনে করে যে আমরাও হয়তো ওদেরকে গুলি করে দিই। পরিস্থিতির কি উত্তেজিত উত্তপ্ত, এই কারণে আমাদের ডিউটির চাপটা বেশি। যেখানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান করব সেক্ষেত্রে যদি লোকে আমাদেরকে দেখে ভয় করে বিপজ্জনক, অনেকটাই বিপজ্জনক। আপ লোক সব রেডি হ্যাঁ, টেলি শীটে হ্যাঁ, সবকে হাত মে মেরি বাত গৌর সে সুনো। দেখো জিস এলাকে মে হাম জা রহে হ্যায় ও আপকো পতা হ্যায় কি ইয়ে এরিয়া কিতনা ডেঞ্জার হ্যায়, খতরনাক হ্যায় না, তো আপ লোক ঘবরানা নেই হ্যায়, ডরনা নেই হ্যায়, বাইক ওয়ালা আ জায়ে তো ইধর উধর ভাগনা নেই হ্যায়, बिल्कुल आपको अपने काम पे तवज्जो रखनी है। सीधा वहाँ नहीं, सीधा सीधा वो इलाका करना है, सीधा चलो और थोड़ा स्पीड से चलें आप लोग। जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। वैक्सीन फौरन अंदर रखें, आ जाओ दरवाजे खटकाना। जब पोलियो वर्कर्स पे पहला अटैक 18 दिसंबर को हुआ और मेरी दो वर्कर को शहीद किया गया, खौफ फैल गया कि इतने बच्चों को मजदूरी से बचाने जाते हैं, तो उसका सिला हमें ये मिला कि हमारी एक वर्कर जो 250 रुपए पर डे लेती है उसको मारा गया। बच्चे हैं छोटे, अब ये इस तरह पोलियो होता है कि हम सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, इतनी पतली गलियां होती हैं कि अगर मैं उसमें से अंदर चली जाऊं वापसी का रास्ता कहां से, ये गलियां कहां ख़त्म होंगी, तो मेरी नज़र आगे तक होती है कि वहां से कोई बाइक तो अंदर नहीं आई या कोई मशकूक तो नहीं है। ये आगे की तरफ है पुलिस वाले, बिल्कुल ओपनली मुझे थ्रेड मिले, एक एजेंट साहब आप तो इतनी सिक्योरिटी लेकर आ रही हो तो इससे क्या होगा, हम तो खुदकश धमाके करते हैं। लोगों के रवैयों में चेंज आएगा, लेकर आए वो रह जाएगी ना बच्ची, कहीं ऐसा नहीं कि ये तो पोलियो के कतरे पिलाकर अपने इलाकों में वापस चले जाएंगे, कहीं हमारे ऊपर भी अटैक ना हो। आपके माइंड में क्या है मतलब, तो हम क्लियर करेंगे ना कि आप क्यों नहीं पिला रहे। अच्छा मजहबी मतलब वो मले, तो आपने देखिए जीरो डोज वाले इन्होंने कभी नहीं पिलाया बच्चों को। हम 15 साल पोलियो में पीछे चले गए,
اتنے خوبصورت بچے جو وزیرستان افغانستان سوال سے آئے ہوتے ہیں کنچی آنکھوں والے دیکھ کر ہمارا خوف ختم ہو جاتا ہے. ہم بولتے ہیں اس بچے کو میں معذوری سے بچا رہی ہوں, اگر اس پہ میری جان چلی بھی گئی تو کوئی بات نہیں. سائے میں پلائے اس کو, 5 سال سے چھوٹے بچے کتنے آپ کے گھر میں؟ تو ہم یہ ان پیسوں کے لیے 250 روپے کے لیے نہیں بنا پلا رہے ہیں, ہم نے اس کو اپنا ایک مشن بنا لیا ہے کہ پاکستان کو پولیو فری کریں گے اور ان بچوں کو اس معذوری سے بچائیں گے. The last woman you saw in the film, Naseem Akhtar, was killed a few months ago. Not all of the films that I make have happy endings. People always ask me, why do you do this? And I learn so much from these people, the resilience that these people have, the way they go through their lives every single day, knowing that the work they do could literally change their lives and the lives of their families, and yet they continue. And these are names and faces that you don't know about. These are the news stories you never read about in the headlines when you read about the Islamic world. But these are the foot soldiers who are literally changing and protecting so many people. Thank you.